हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उपासना एंड आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और मेरी आज की जो वीडियो है वो एक DIY वीडियो है। DIY आपके जो फेशियल हेयर्स होते हैं ना, जो आईब्रोज अगर हम कराते हैं या अपर लिप्स कराते हैं या चीक्स के जो साइड के पार्ट वाले जो हेयर होते हैं, तो हम अगर उन्हें रिमूव कराते हैं देन क्या होता है कि हमें जल्दी से ग्रोथ होने लग जाती है। तो मैं आज की जो मेरी DIY है, पैक जो है मैं लेके आई हूँ, या जेल बोल सकते हो आप, या लीप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। सो वो मैं आपके जो फेशियल हेयर की ग्रोथ है उसे कम करने के लिए लेके आई हूँ। जो आप इसे जब भी अपने आईब्रोज बना लो या फिर अपलिप्स करा लो, जब करा के आओ तो आप इसे अपने घर पे बना के 2-3 डेज लगा सकते हो। तो इससे आपकी क्या होगी ना कि ग्रोथ ना थोड़ी सी लेट होगी, लेट से होगी, जो अपलिप्स के हेयर होते हैं या आईब्रोज के नीचे वाले होते हैं। सो आप इसे अपने घर में बना के ट्राई कर सकते हो। और आपको इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट ही लगेगी, जो मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ आप फुल वॉच करो वीडियो को। तो सबसे पहले चाहिए होगी आपको हल्दी एंड एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल हम यहाँ 1 चम्मच लेंगे। मैं यहाँ पतंजलि की येलो वाली एलोवेरा जेल ले रही हूँ, आप कोई सी भी ले सकते हो। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि ये पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसे इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर मिला सकते हो या फिर और एलोवेरा जेल मिला सकते हो। सो मैं प्रेफर करती हूँ सिर्फ एलोवेरा जेल के साथ। आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से एकदम मिक्स हो गया है, देख सकते हो एकदम क्रीमी टेक्सचर में है ये। आपको इसे लगाना कैसे है, सो मैंने इसे आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया है। सो आपकी जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं आप वहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हो। और इसे अप्लाई करने से आपकी जो भी हेयर ग्रोथ होती है प्रोसेस ना, वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है। आपकी जो आईब्रोज जल्दी निकल जाते हैं या अपर लिप्स आपकी जल्दी आ जाती है, सो ये उस प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है, जिससे आपकी जो अपर लिप के बाल है जो जल्दी नहीं आएंगे। सो आप इसे अपने घर में ट्राई कर सकते हो, ये नेचुरल है, एकदम सेफ है। सो मैं अब आईब्रोज के पास जो लगाया था उसे अच्छी तरीके से वाइप कर रही हूँ, और आप रिजल्ट कुछ देख सकते हो। हल्दी लगाने से स्किन कितनी लाइट हो जाती है, एक टोन आपको वहाँ पर दिख रही होगी, लाइट पूरा क्लियर आपको दिख रहा होगा कि वाइट हो गया है वहाँ पे, बाकी स्किन एकदम क्लियर हो गई है। सो इस वजह से मैं जब भी कोई उपटन बनाती हूँ या कोई भी फेस पैक बनाती हूँ, मैं उसमें हल्दी ज़रूर ऐड करती हूँ। मेरी फेवरेट इंग्रेडिएंट है हल्दी। सो मैंने अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है विदाउट एनी फेस वॉश के। सो मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ फेस वॉश। मैं अपने उपटन जो मैं बनाती हूँ मैं वही यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के लिए। सो आप देख सकते हो हल्दी की जो भी स्टेन है वो एकदम बिल्कुल से निकल गई है, कोई भी स्टेन बाकी नहीं है। सो आप इसे अच्छी तरीके से लगा सकते हो। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। सेव वाटर, सेव ट्रीज और सेव एनवायरमेंट, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, एंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड व्यस्त रहें। एंड थैंक यू सो मच, अभी तक आप लोगों ने जितना भी मुझे प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है।